हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक रिक्वेस्ट मेरे पास पड़ी हुई थी, वो लखनऊ की कोई हमारे व्यूअर हैं तान्या सिंह, और काफ़ी समय पहले इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी। तो TDS के बारे में इन्होंने पूछा था और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर वीडियो बनाने और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर काम करने के चलते मैं उस पर काम नहीं कर पाया। तो आज मैं TDS ऑप्शन इनेबल करना सिखाता हूँ आपको, और फिर हम आगे एंट्री भी सीखेंगे कि TDS की एंट्री हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले टैली ERP 9 को ओपन कर लीजिए। यहाँ से टैली ERP 9 का लेटेस्ट वर्जन अगर आपके पास होगा तो ही उसमें हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो आप टैली ERP 9 का हमेशा लेटेस्ट वर्जन रखिए अपने पास। इसके बाद आपको क्या करना है, F11 की प्रेस करना है, क्योंकि हमें फीचर्स पे जाना है। तो F11 की जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये कंपनी फीचर्स की विंडो ओपन हो जाएगी, और हमें जैसे कि हम GST इनेबल किया करते थे वैसे ही जाना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे। तो यहाँ से हम एंटर प्रेस कर देता है, और यहाँ पर आने के बाद आपको कोई भी इसमें जैसे ये वैल्यू एडेड टैक्स दिया हुआ है, इसको भी मैं अभी नो कर देता हूँ और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ इनेबल टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स। इट मीन्स टू से कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TDS टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, इसको आपको यस करना है। एक बात यहां पर और बता देना चाहता हूं कि टैली ERP 9 के ये जो TDS वाला चैप्टर मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें TDS जो है कभी भी गुड्स पे नहीं लगता। इट मीन्स टू से कि जो भी माल आप परचेज सेल्स करते हो वो गुड्स इसके कैटेगरी में नहीं आता है। तो एक बात तो याद रखिएगा कि कभी भी गुड्स पर जो है TDS मत अप्लाई कीजिएगा, सर्विसेज पे TDS अप्लाई होता है। तो TDS जो है सर्विसेज पे ही अप्लाई करना है। आगे चल करके हम TCS भी जानेंगे, लेकिन आज की ये वीडियो सिर्फ TDS को इनेबल करने को लेकर है, तो TDS के ही बारे में जानते हैं। यहां से आप इसको भी यस प्रेस कर दें तो ये इस तरह से खुल जाएगा। अब आपको एक 10 रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जब आप TDS ये करेंगे तो यहां पर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी कंपनी से मिलेगा आपको। जैसे कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी है TSI 7890, तो ये 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया हमने। इसके बाद लिखा हुआ है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। तो जो भी अकाउंट नंबर है, जिस भी अकाउंट से TDS कट पर वो अकाउंट नंबर डालेंगे जो कि आपका 10 अकाउंट नंबर होगा। फिलहाल मैं छोड़ता हूँ, नीचे आता हूँ। यहाँ पर दो चीजें दिख रही है, कंपनी इंडिविजुअल, तो फिलहाल हम कंपनी ही रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर दिया हुआ डिडक्टर ब्रांच डिवीजन जो भी हो, तो यहाँ पर मैं अपना जो लोकल सिटी है उसका नाम दे देता हूँ। और यहाँ पर आपको सेट अल्टर करना है, तो यहाँ पर यस प्रेस कर दीजिए और ये इस तरह से खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर पूरी डिटेल फिल करनी होगी, जो भी TDS के लिए अप्लाई करना चाहता है, TDS कटा हुआ है उसको रिटर्न ये करना चाहता है TDS के लिए, तो उसका पूरा अकाउंट नंबर वगैरह सब डिटेल पूरा डिटेल देना होगा। तो जैसे मान लीजिए मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन सपोज कीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर कर देता हूँ, जो भी पोस्ट है हमारी। एंटर प्रेस किया, पैन नंबर जो भी है वो दे दीजिए। यहाँ पर मैं डमी पैन नंबर एंटर कर, तो यहाँ पर मैं डमी पैन नंबर एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे फ्लैट नंबर और बिल्डिंग नेम ऑफ बिल्डिंग जो भी हो, तो यहाँ पे हमारे बिल्डिंग का जो भी नाम है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे रोड, तो यहाँ पे SBPG रोड। एरिया लोकेशन न्यू कॉलोनी, ठीक है। एंटर प्रेस किया, टाउन सिटी देवरिया हो जाएगा। एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर अगर है तो डाल सकते हैं, जो भी ये डाल दिया हमने। STD कोड वगैरह आप फिल कर सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं। एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो 20% TDS कटेगा आपका, अदरवाइज 10% ही TDS कटता है जनरली, ठीक है। तो एंटर प्रेस कीजिए, और यहाँ पर दिया हुआ इग्नोर IT एग्जेम्पशन लिमिटेड, ठीक है।
के बारे में हम आगे चल करके सीखेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम। क्या आप स्टॉक आइटम पर जो प्रॉफिट मिलता है उस पर भी टीडीएस इनेबल करना चाहते हैं? तो अभी फिलहाल इसको नो ही रखते हैं, इंटरप्रेस करके और इसको आप एक्सेप्ट करा लेते हैं हम। तो ये हमने करा लिया इसको एक्सेप्ट, तो इस तरह से हमारा टीडीएस इनेबल हो जाएगा। अब जो भी हम एंट्री करेंगे तो वो टीडीएस इनेबल होकर आएगा उसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी कि टीडीएस को इनेबल कैसे किया जाए। इस पर आधारित नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।